हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 से 12 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके 30 अंक में पूछे जाएंगे। अध्याय 1 से 12 तक के हमने सभी क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखते जाना है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है वास्तविक संख्या? सी नंबर को ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको ध्यान रखना है अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। क्या होती हैं? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो सी नंबर को ऑप्शन होगा। इस प्रकार से इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, तो आपको ध्यान रखना है किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव धन संख्या होता है। इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसमें से आप देख सकते हैं जो अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें जो अपरिमेय संख्या है, जो संख्या बार बार रिपीट होती है, अर्थात जो कभी समाप्ति नहीं होती, बी नंबर को ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें अपरिमेय संख्या बी नंबर को ऑप्शन होगा। ए पर एम की घात इंटू ए पर एन के, जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं? जुड़ती हैं। तो ए पर एम प्लस एन की घात आ जाएगी, ए नंबर को ऑप्शन होगा। 64 पर 1/2 की घात, तो 64 को जो है हम 8 का वर्ग लिख सकते हैं, और 8 का वर्ग और 1/2 घात के ऊपर घात होती है, तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। 64 को हम 8 का वर्ग लिख सकते हैं, 1/2 की घात जहाँ के तहाँ, घात के ऊपर घात हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 2 और 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 8 के ऊपर 1 की घात का मान 8 ही हो जाएगा। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा, तो यहाँ पर कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं। कुल भाग कितने हैं इसके? 1, 2, 3, 4 भाग हैं, और जितने भाग छायांकित होते हैं, 1 और 1 2 भाग छायांकित है, 2 को हमने उपाय 2 से कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 एकम 2 होगा, 2 दूनी 4, 1/2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है कि खाली बॉक्स में संख्या होगी, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 10 का 9 में करेंगे 90 आएंगे, तो 15 का गुणा किस संख्या के साथ करेंगे? 90 आए। तो यहाँ पर यदि आप 6 से करेंगे 15 6 90, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद कुछ रिक्त स्थान दिए गए, इनको भी आप फटाफट देख लीजिए। 9 पर 1/2 की घात का मान, तो 9 को जो है हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं, और 1/2 की घात जहाँ के तहाँ, घात के ऊपर घात है तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा 2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 के ऊपर 1 की घात का मान कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद यहाँ पर दो परिमेय संख्याओं के मध्य खाली स्थान परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। इसके बाद एक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या ही होता है। पाई एक क्या है? तो पाई एक क्या है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 3 करणी 5 का करणी घात आपको बताना है, तो करणी घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। इस प्रकार से आप फटाफट इनका आप रिवीजन करते जाइए। इसके बाद थोड़ी सी आपको इन सही जोड़ियों को देखकर जाना है। इस प्रकार से सही जोड़ियां आपसे पूछी जाएंगी, और नीचे इनके आंसर दिए गए हैं। पहले का आपको सी से मिलाना है, दूसरे का डी से, तीसरे का ई से, तो इनका आप स्क्रीन शॉट लेते जाइए। इसके बाद नीचे दी गई हैं, इसके बाद यह दी गई हैं, इनके आंसर दिए गए हैं। तीसरे नंबर की सही जोड़ियाँ, तो इनको आपको एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना है। इसके बाद 77 दिए गए हैं, इनको आपको सभी को पढ़कर जाना है। इस प्रकार से जो 2018-19-20 में पूछे गए हैं, इनके आंसर नीचे दिए गए हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है, नीचे आंसर दिए गए हैं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद अध्याय 2 बहुपद की, यहाँ पर हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक घात वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बहुपद, इस बहुपद में आपको घात बताना। तो बहुपद की सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात होती है, इसमें सबसे बड़ी घात 5 की घात है, तो घात का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। शून्य बहुपद की घात, तो आपको ध्यान रखना है शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती है। इसके बाद शून्य बहुपद का शून्यक, तो जो शून्य बहुपद का जो शून्यक होता है, यहाँ पर आपको बताना है कि शून्य बहुपद का शून्यक क्या हो। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा कोई वास्तविक संख्या होगी, सी नंबर को ऑप्शन होगा। बहुपद px बराबर 2x+5 का शून्य ज्ञात करेंगे, तो जो भी बहुपद है इसके बराबर आपको 0 लेना है। 2x+5 के बराबर हमने 0 लिया है, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो +5 इस तरह पाएंगे, -5।
एक्स का मान निकालेंगे तो जो गुणा में 2 बटे में आ जाएंगे, तो शून्य का मान -5/2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इस प्रकार से। इसके बाद क्वेश्चन है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, एक की घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, 2 की घात वाले बहुपद को द्विपद बहुपद, 2 घात बहुपद और 3 की घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद, इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद बहुपद इसमें जो है शून्य पूछा गया है, तो इसका शून्य का आप निकालेंगे तो -5/2 होगा, कितना होगा -5/2, बी नंबर का ऑप्शन होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है, बहुपद में एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस 4 में एक्स का गुणांक पूछा गया, तो एक्स के साथ जो भी संख्या, एक्स के साथ तो कोई भी संख्या नहीं लेकिन एक माना जाता है, माइनस चिन्ह भी है, तो इसका गुणांक -1 होगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुपद 4x वर्ग प्लस 5x प्लस 7 की घात, तो बहुपद की सबसे बड़ी घात कितने की है, 2 की, तो घात का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रैखिक बहुपद है, तो 1 की घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, यहाँ पर 2 की है, यहाँ पर 32 की, यहाँ पर 3 की है, लेकिन इसमें 1 की घात है, तो इसे यह एक रैखिक बहुपद होगा। बहुपद px = 3x - 2 का शून्य होगा, तो इसके बराबर आप 0 लेंगे तो -2 इस तरफ आएगा, तो +2 गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी, तो 2/3 इसका शून्य हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद नीचे रिक्त स्थान दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, केवल आपको इनको पढ़कर जाना है जो यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे यह पूछा गया है, यह पूछा गया है इस प्रकार से, और नीचे यहाँ पर इनके आंसर दिए गए, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इस सही जोड़ियों को भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई जो कि 2019 और 2023 में पूछी है, आंसर नीचे दिए गए, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर सत्य दिए गए हैं, तो इनको आपको पढ़कर जाना है, नीचे आंसर दिए गए हैं एक शब्द या एक वाक्य में, जैसे यह 2018 में पूछा गया, इसको आपको पढ़ लेना है, इसको, इसको और इसको, नीचे इनके आंसर दिए गए, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से जो है किस चतुर्थांश में स्थित है भुज और कोटि का मान, इस प्रकार से विकल्प पूछे जाएंगे। जैसे कि पूछा गया है कि -4 और -4 किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि -और -3 तृतीय चतुर्थांश में होता है, तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0-0 होते हैं, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद इन रिक्त स्थान को आपको पढ़कर जाना है, यहाँ पर दिए गए जो कि 2-3 साल में पूछे गए हैं और नीचे इनके आंसर दिए गए, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सही जोड़ियों को भी आपको पढ़कर जाना है कुछ इस प्रकार से, नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद सत्य भी आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और नीचे आंसर दिए गए हैं, जो यहाँ पर पूछे गए हैं उन्हीं को आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में, जैसे यह पूछा गया है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है मूल बिंदु कहलाता है, इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इनको आप देखते जाइए, इन विकल्पों को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, इस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं और नीचे सभी प्रश्नों के जो है आंसर दिए गए हैं, इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, नीचे आंसर दिए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है हम रिक्त स्थान देख लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे आंसर भी दिए गए हैं, सही जोड़ियों को भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ से सत्य पूछे जाते हैं, तो सत्य दिए गए हैं, नीचे आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो है एक शब्द या एक वाक्य में 2 चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ax + by + c = 0 होता है, और रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात क्या होती है, 1 की घात होती है, इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अध्याय 5 से केवल 1 ही अंक में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, तो यहाँ से जो है आपको खाली स्थान अपने भाग से बड़ा होता है, जो पूर्ण होता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, और 2 वृत्तों की जो त्रिज्या होती है वह क्या होती है, समान होती है, 1 शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चय रूप से बढ़ाई जा सकती है, इस प्रकार से नीचे आंसर भी दिए गए हैं। पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है या कथन सप्त होगा। एक शब्द या एक वाक्य में भी आपको पढ़कर जाना है, जो यहाँ पर इनसे टिक लगाए गए हैं कि बिंदु से होगा कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है, तो असंख्य 2 भिन्न बिंदुओं से के बीच कितनी सरल रेखा, तो 1 खींचे। यूक्लिड की एक अभिधारणा है कि 1 बिंदु से 1 अन्य बिंदु तक 1 सीधी रेखा खींची जा सकती है, इस प्रकार से इनको आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है अध्याय 6 रेखाएं और कोण, यहाँ से आपको जो है इनको पढ़कर जाना है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए
वो नीचे इनके आंसर दिए गए, पहले का डी है, दूसरे का भी, तीसरे का ही है। इसके बाद जो है यहाँ से आपको सही जोड़ी तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं, नीचे इनके आंसर दिए गए, तो इनको आप तैयार कीजिए। सत्ता सत्र भी आपको तैयार करना है, तो फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इस प्रकार से नीचे आंसर दिए गए हैं और नीचे एक शब्द या एक वाक्य में, तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। पूरक कोण किसे कहते हैं, दो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है, इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद जो है अध्याय सात त्रिभुज, त्रिभुज में से जो है आपसे दो अंक में, यहाँ पर तीन अंक में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाए, तो यहाँ से जो है आपको इनको तैयार करना है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके आंसर जो है आपको बताए जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, जो यहाँ पर पूछे गए उन्हीं को आपको पढ़कर जाना है। जैसे यह पूछा गया है 2019 में, 2022 में, नीचे सभी प्रश्नों के यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं, तो इस प्रकार से इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नीचे इनके आंसर दिए गए, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नीचे जो है सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इस प्रकार से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ इस प्रकार से इनको भी आपको पढ़कर जाना है। इसके बाद जो है एक शब्द या एक वाक्य में सत्तसत्त दिए गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में दिए गए हैं, तो सत्तसत्त में आपको इनको आपको पढ़कर जाना है। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे। एक शब्द या एक वाक्य में इस प्रकार से दिए गए हैं, इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए, इस प्रकार से आंसर दिए गए हैं। इसके बाद अध्याय आठ चतुर्भुज, यहाँ से आपको इसको पढ़कर जाना है, इसका आंसर आपको नीचे दिखाया जाएगा। इस प्रकार से दिए गए, नीचे आंसर दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए, इसको आपको आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है, यहाँ पर नीचे आंसर दिए गए हैं। सही जोड़ियाँ दी गई हैं और नीचे इनके आंसर दिए गए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सत्य दिए गए हैं। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 90 अंश का होता है। इसके बाद जो है अध्याय नौ व्रत, यहाँ से जो है दो अंक में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप विकल्पों को देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं और यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। यहाँ से जो है ज्यादातर रिक्त स्थान पूछे जाते हैं, जैसे व्रत की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। यह भी पूछा गया है, दो व्रत सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अर्धव्रत का कोण क्या होता है, 180 अंश होता है। व्रत का केंद्र व्रत के खालिस्तान में अभ्यंतर में स्थित होता है, तो इनको आपको पढ़कर जाना है, नीचे आंसर दिए गए हैं। इसके बाद सही जोड़ियां भी, आप दो व्रत बराबर व्रतों की त्रिज्या कैसी होती हैं, तो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके बाद सत्य दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, इसके बाद हम आंसर देखने वाले हैं। और इस प्रकार से अर्धव्रत में अंतरित कोण जो है समकोण होता है, तो यह कथन आपका बिल्कुल सत्य होगा, इस प्रकार से आंसर दिए गए। एक शब्द या एक वाक्य में व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो आपको ध्यान रखना है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। इसके बाद अध्याय 10 हीरोन का सूत्र, यहाँ से केवल चार अंक का एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न और एक अंक में आपसे विकल्प पूछा जाए, तो इसमें से केवल आपको फार्मूला तैयार करना है। यदि आप फार्मूला याद कर लेती हो, तो एक अंक आराम से आपके बन जाएगा। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र, तो विषमबाहु ज्ञात करने संबंधी सूत्र इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से 2s बराबर a प्लस b प्लस c होता है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र इस प्रकार से, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद अध्याय 11 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, आपको बताना है कि जो गोले का आयतन होगा, तो गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर घन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अर्धगोले का आयतन होगा, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है 2/3 पाई आर घन होता है, इन दोनों को आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है रिक्त स्थान में शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है, इनको भी आप पढ़कर जाइए, नीचे आंसर भी दिए गए हैं, सही जोड़ियां दी गई हैं। इसके बाद सत्तसत शंकु का आयतन 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र 4πr वर्ग होता है, और इसका आंसर गोला हो जाएगा, इस प्रकार से आप इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद अध्याय 12 सांख्यिकी, इस प्रकार से विकल्प दिए गए हैं, यहाँ से आपको रिक्त स्थान तैयार करना है कि आंकड़ों के अधिकतम या न्यूनतम मानों का अंतर आंकड़ों का क्या कहलाता है, तो परिसर कहलाता है। इसके बाद यहाँ से जो है आपको सत्य तैयार करना है कि वर्ग अंतराल 90 और 100 में 90 वर्ग की निम्न सीमा है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य होगा, 90 निम्न सीमा है और 100 जो है उच्च सीमा है, तो यह कथन सत्य हो जाएगा। इसके बाद और भी सत्य दिए गए हैं, यहाँ पर आप इनको पढ़ भी सकते हैं। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला जो है परीक्षण का मान नहीं होता है, तो ये असत्य होगा, इस प्रकार से नीचे इनके आंसर दिए गए हैं।
यहाँ पर 80 और 100 का परास होगा तो आप ज्ञात करेंगे तो 20 होगा। इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यदि आप 30 में से 30 अंक लाना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।